तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, पहले प्ले करके बता दूँ, फिर नोटेशन बता दूँ, फिर टेक्निक्स बता दूँ, कितना आसान है, कैसे बजाना है, टावर पे भी कैसे बजाना, टावर के हारमोनिका के बेसिक वाला हारमोनिका है ना, एकदम सस्ते में खिलौने वाला, और मेरे हाथ में फोर रनर का 4,500 का, आप कोई सा भी आपके पास होगा आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कभी भी ओट आपके गीले रखना है, ठीक है, नहीं तो फिर वो प्ले नहीं होगा, ठीक से प्ले नहीं होगा, है ना। ठीक है, बहुत ही मज़ा आया, एकदम बढ़िया वाला, उसकी धुनी बहुत प्यारी बना, मतलब पुराने गाने जितने भी बहुत ही बेस्ट में से बेस्ट गाने होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको इधर उधर का साउंड आ सकता है, पता नहीं माइक में आएगा, ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं ना, चहल पहल और वो सब चलता रहता है, तो ठीक है, लेकिन हमें सीखने से मतलब है ना, आप फोकस रखिए मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर। अब यहाँ पर मैंने गाना सिखा दिया, अब सेम गाना जो है, जो मैंने 4,500 के फोर रनर हारमोनिका पे जो सिखा है, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर दिख रहा है ना, तो इस टॉप का है फोर रनर लीवर वाला, और लगभग इसका जो वेट है वो 250 ग्राम है ना, 250 ग्राम तक वेट है इसका। तो ये होता है टावर, जो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, 800-700 रुपये में मिल जाता है अमेज़ॉन पर, ठीक है, बेसिक वाला। इसमें फ़र्क क्या है दोस्तों, इसमें फ़र्क है, इसमें 24 होल है, इसमें 12 ही होल है, ठीक है। तो 12 होल आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए नंबरिंग भी लिखा है ना, 1 से 12 तक नंबरिंग है, इस पर नंबरिंग नहीं होती है, लेकिन ये जो है 24 होल है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा दूर दूर होता है, लंबा होता है, और गाना सेम ही बजेगा, लेकिन इसमें सांस बहुत फूलेगी आपकी, तो आपको ज़्यादा हवा फूकनी होगी, ब्लो करनी होगी, इसमें हवा ज़्यादा, एकदम कम हवा ब्लो करना होता है। फोर रनर के अंदर हवा बहुत कम है, लेकिन ये जो है बड़ा वाला, इसमें हवा ज़्यादा ब्लो करनी होती है। तो अगर मैं इस पर बजाऊँ सेम, तो मुझे बहुत ऐसा करना होगा। तो देखो अभी से ताकत ज़्यादा लग रही है, और सस्ता होने के कारण कुछ कुछ जो होते हैं ना चैनल में, हवा बरोबर ठीक से ब्लो नहीं होती। तो लेकिन आप अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा ये बजाने लग गया हूँ, तो ये ज़्यादा फ्री हो गया, जो हारमोनिका आप ज़्यादा बजाओगे वो ज़्यादा फ्री हो जाएगा, जैसे हारमोनियम होता है पेटी, तो जितना आप बजाओगे उतना वो फ्री हो जाता है, एकदम हल्का बजने लगता है, अच्छा बजने लगता है। तो अब ये बहुत दिन हो गए मैं इसको प्ले नहीं कर रहा ना, इसको ज़्यादा प्ले कर रहा हूँ, इसलिए देखो देखो चैनल पे प्ले नहीं हो रहा है ना, ये वाला ठीक नहीं है, तो मैं अभी इसको रिकमेंड नहीं करूंगा ज्यादा, अभी इसको आप छोड़ो, पैसे आपके जाएंगे थोड़े से, लेकिन आप एक ही बार लेना बेटा, लेकिन फोर रनर का लेना, ये बहुत ही बेस्ट है। आपको चैनल की सारे जो है इस मेरे चैनल पर लिंक मिल जाएंगी, कहाँ से खरीदना, टावर का भी मिल जाएगा। अगर आप देखो बिगिनर हो, स्टार्ट करना चाहते हो, है ना, या आपके पास होगा, कोई बोलते मेरे दादाजी का था, पप्पा का था, पहले से था, भाई का था, बड़े भाई का था, तो वो ये होगा, या फिर कोई और होगा, बहुत सारे होते हैं कंपनीज़, और बहुत सारे वर्जन होते हैं, अलग अलग विंडोज़ होते हैं। गाना आपका सेम, जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ वो सब बच जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ ब्लोइंग की, कितनी हवा, कितना फ्लुएंट चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो, एकदम बिल्कुल दिक्कत ही नहीं। ऐसे तो आप दिन भर बजा लोगे इसके ऊपर, दिन भर गाने, लेकिन आपको कुछ भी दिक्कत नहीं, लेकिन ये दिन भर 1 घंटा बजाओगे तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है, पसीने पसीने निकल जाएंगे। अब ये होता है खिलौने वाला, ठीक है, गाना इस पर भी बजेगा। अब देखो इसमें सबसे फ्लुएंट इस पर बजा, इस पर बजा थोड़ा गंदा वाला, अब ये होगा थोड़ा सा और पता नहीं कैसे बजेगा, तो
खींचने में, क्योंकि ये प्लास्टिक है, अभी तक तो भी मेटल चल रहा था, अभी तक तो मेटल था, तो मेटल जो होता है आप देख सकते हैं इसमें ओठ जो होता है एकदम फ्लुएंटली मूव हो जाते हैं मेटल के ऊपर, है ना। अब ये है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक तो आपको पता है, अब अगर उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो तो कितने उसके ऊपर रैशेस रहेंगे, तो वो ओठों के ऊपर, ओठों में तो पहले रैशेस होते ही अपने, तो मैं गीला करके फिर भी प्ले कर रहा हूँ, सूखे ओठों पे तो पूरा चमड़ी उधेड़ देगा वो। अब यहाँ पर प्लास्टिक में चिपचिपा होने के बावजूद भी अगर आपने गीले भी कर दिए ओठ तब भी प्रॉब्लम ही आएगा, क्योंकि वो बराबर से स्लिप नहीं होता। अगर स्लिप नहीं होगा तो फिर आप किसी के सामने प्रेजेंट करोगे कुछ जेब में से निकाल के, आपके पास है हारमोनिका कि मैं बजा सकता हूँ आपका बर्थडे जो भी सिचुएशन, तो आपका कचरा कर देगा वो वहाँ पर सिचुएशन, ये वाला हारमोनिका। ठीक है, अब देखो जैसे मेरा कर रहा है, अब आधी लाइन अच्छी बजी, एक लाइन कैसा है म्यूजिक में बेटा, एक सुर भी अगर गलत लग गया एक लाइन भी तो फिर वो गंदा ही लगता है। थोड़ा बहुत चलता है लेकिन थोड़ा बहुत वो क्या होता है, थोड़ा ताल में इधर उधर या जो भी है, हो सकता है कि एकदम प्रॉपर ना ही बजे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से कोई लाइन ही अटक जाए, सबसे गंदी बात, बजा रहे हो एक लाइन गड़बड़ हो जाए, या एक आपने चार पांच शब्दों का कोई है वो खा लिया, है ना, कोई ग्रुप खा लिया शब्दों का। जैसे देखो अब मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ मेरी 100%, मैं ऐसे कोई जानबूझ के आपको दिखाने की चलो ये छपरी, ऐसा नहीं है, मैं मेरा 100 दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में यही बजाया भाई, है ना, कई सालों तक मैंने ये बजाया, बहुत सालों तक, ये तो अभी भी मैं बजा रहा हूँ हाई लेवल के, बाकी तो मैंने सब इस पर ही प्रैक्टिस किया है। तो अब मैंने स्लो किया तो अच्छा बजा, मस्त। तो ऐसा 100% हो गए तो अटेम्प्ट तो आपका 100, क्योंकि मेन तो होता है भाई आपका धनुष अच्छा है बुरा होता नहीं है, आप तीरंदाज कितने खतरनाक हो, अर्जुन हो कि नहीं, कर्ण हो कि नहीं, है ना, एकलव्य हो कि नहीं, वो मायने नहीं रखता है, बाकी सारी चीज़ें जो है बाद में आती है। मतलब आप ड्राइवर अच्छे होने चाहिए, कार की खामियां बाद में निकालना है ना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा वाला हो जाएगा, लेकिन फिर भी आंगन भी कोई चीज़ होती है। अगर माइकल जैक्सन है तो उनको मून वॉक करना है तो आपको देना होगा उस तरह का आंगन, मतलब नहीं तो फिर आप समझ सकते। ठीक है, तो अब हम नोटेशन की तरफ चलते हैं, सीधा नोटेशन है गाने का, तेरे जैसा यार कहाँ, तो अंतरा जैसे मैंने पहले भेजा है ना, मेरी जिंदगी सवारी, उसको बाद में लेते, थोड़ा ऊंचा है इसलिए पहले ये लेते, पहले ये समझ लेते कि ये गड़बड़ कहाँ है, तेरे जैसा यार कहाँ, अब इसको कैसे बजाओगे, है ना। अगर आप फर्स्ट व्यूअर, फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस मेरे चैनल को, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, है ना, या फिर आप रेगुलर हो तो आपको पता ही है कि इसी वीडियो के नीचे सारे के सारे इन तीनों हारमोनिका की लिंक दी हुई है, आपको जो खरीदना आप खरीद लोगे, अमेजोन की लेटेस्ट लिंक दी हुई है। और दूसरी बात कि सारे ग म पद निशा जो होता है हारमोनिका के ऊपर, सारे ग सात सुर होता है ना, तो सात सुर कैसे बजाना उसकी लिंक है नीचे। अब जो है लोअर ऑक्टेव, अगर सा है तो सा के नीचे अगर डॉट है तो फिर वो कैसे बजाना, उस वीडियो के भी लिंक है, दो वीडियो बनाए हैं, उसकी भी लिंक नीचे दे हुई, दो वीडियो, ठीक है। तो वो आपको देख के ही ये वीडियो फिर से देखना है, पहले वो देख लो, अगर आपको नहीं आता है सारे गमा तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर नोटेशन जो चल रहा है ना, कि अगर मैं गाना बता रहा हूँ कि प सा रे म ग रे ग सा सा रे, तो वो प सा रे म आपको ये नहीं पता। अब मैं यहाँ पे ये सिखाते बैठूंगा कि प कैसे बजाना, सा कैसे बजाना, रे, फिर हो गया, ये गाना तो होगा ही नहीं, है ना, शाम तक यही सीखने में चला जाएगा। पहले वो वीडियो देखो, वो सारे गमा पहले समझ के आओ कि एग्जैक्टली कौन से विंडो पर आपको प बजाना है, कौन से विंडो पर सा बजाना है, वो देख के आओ। और अगर आपके पास ये वाला हारमोनिका नहीं है, ये वाला है टावर का, तो ये वाला, या फिर ये खरीदना है तो ये वाला आप पहले वो वीडियो देखो, उसमें ये भी दिया हुआ है कि सारे गमा इस पर कैसे बजाने। तो इस तरह से अलग अलग दो वीडियो है, टावर पर सारे गमा कैसे बजाओगे और फोर रनर पर सारे गमा कैसे बजाओगे, ठीक है। तो अब हम फिर से फोर रनर पर चलते, जो प्रोफेशनल उस पर चलते, अगर प सा रे म ग रे ग सा सा रे ऐसे ही बोलना है, ऐसे गाना है, तो फिर आपको इजीली आएगा वो। तो प सा रे म, प कहाँ होता है बेटा, नीचे डॉट, तो प के नीचे डॉट है, प सा रे म, तो प मैंने बजाया, पहले सा बजाया, सारे ग म वधनी सा,
सानी धप मगर सा। अब मैं बजा रहा हूँ पसा, तो सा के पीछे जाना है नी ध प, ये मैं सिखा चुका हूँ, आप वीडियो में देखिए आपको समझ जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करें पसा रे म, पसा रे म ग रे ग सा, ग रे ग सा सा रे। तो सारे में ऐसे झटका है सारे तेरे जैसा यार कहाँ, तो सा को ब्लो करते हैं और रे को खींचते हैं इसलिए ऐसे। अब कहाँ ऐसा यारा ना पनी सा ग रे सा रे सा ध सा पनी सा ग, पनी सा ग रे सा रे सा ध सा। याद करेगी दुनिया, ये कॉपी होगा बिल्कुल, पसा रे म ग रे ग सा सा रे तेरा मेरा अफसाना, पसा नी पनी सा ग रे सा रे सा ध सा। तो दो लाइन जो है वो रिपीट है ना, तेरे जैसा यार कहा, कहा ऐसा यारा ना, एग्जैक्ट कॉपी है। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अगर नहीं समझ में आता है, अगर ऐसा लगता है आपको मैं फास्ट सिखा रहा हूँ या जो भी है, आप कमेंट में बताइए ज़रूर। और वीडियो को आप स्लो भी देख सकते हैं, या फास्ट करके आपको बोर होता है तो आप, है ना, नॉर्मल होता है 0.25% फास्ट करके देखो, 0.75% लोग स्लो करके देखो, या फिर रिवाइंड करके वापस आओ। मुझे कुछ अगर मैं कभी भी जैसे मुझे कोई मोटिवेशनल ऐसा कुछ देखता हूँ, या पॉलिटिकल लीडर के कोई होता है स्पीच होता है, या कोई स्पिरिचुअल होते गुरु होते उनका स्पीच, तो मैं देखता हूँ अगर मुझे कुछ वो फास्ट चला गया जंबल, तो मैं वापस करके, सिंपल होता है। तो ये तो हो गया सिंपल इसी इस वीडियो को, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरत है, एजुकेशनल वीडियो अगर ये म्यूज़िक एजुकेशनल वीडियो है ना, म्यूज़िकल, तो इसको भी शांति से, फोकस से, शांति में देखना है। ऐसे कभी भी चलते रहा उठते, कोई रील्स नहीं है इंस्टाग्राम की, यह बहुत अच्छी हाई लेवल की चीज़, ये अमृत है, तो अमृत की तरह उसको संजो के रखो, संभाल के रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के। अब जैसे गाया वैसे नोटेशन देखो, ग ग म प प प म प ऐसे बोलना है, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो इसको, बुक में नोट डाउन करना है, जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है। वैसे स्क्रीन पे तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन आप नोट डाउन भी करो, है ना। ग ग म प प प म प, ग ग म प प प म प, तो देखो ग ग म प प प म प, ग ग म प प प म प। अब होगा बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, बैठा दिया फलक पे रे ग म म म ग म, रे ग म म म ग म, मुझे खाक से उठा के मध प म प म ग ग, मध प म प म ग ग। ऐसे फास्ट पढ़ते आना चाहिए, रीड करते आना चाहिए। ओके, फिर तेरे जैसा यार कहाँ, कॉपी होगा कहाँ ऐसा, इस तरह से। अब इस गाने में जितने भी अंतर आए नेक्स्ट वो सेम कॉपी होंगे बिल्कुल। किस चीज़ के कॉपी, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा, इस लाइन के सारे कॉपी 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 होंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये समझ चुके होंगे। अब ये जो सारे गमा है वही ज़रूरी है चीज़, आप चाहे टावर पे बजाओ, आप चाहे बेसिक हारमोनिका पे बजाओ, जैसे मैंने सब पे बजा के देखा, दुनिया के किसी भी हारमोनिका के ऊपर ये सेम ही काम करेगा एग्जैक्टली। सिर्फ आपको नोटेशन समझना है जो लिख के दिया है, और आपको जो नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन वीडियोस को देखना है, वो कौन से वीडियो है। अगर आपको सारे गमन नहीं पता टावर पे कैसे बजाना तो वो दिया है, अगर आपको नहीं पता फोरनर पर सारे गमन कैसे, मतलब फोरनर मैंने 12 होल वाले पे कैसे बजाना है वो, 24 होल वाले पे कैसे बजाना है वो, ये दो ही बहुत बेस्ट होते हैं। बाकी अगर आपके पास 10 होल हो, जैसे ये 10 होल है, ठीक है,
नहीं ये 16 होल है, ये बहुत ही अजीब चीज़ है, 16 होल भी होता है, 10 होल भी होता है, जाए मन बहुत सारे अलग अलग होते हैं। गाना एक्सैक्टली बजता है, सेम ही बजेगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल एक और ज़बरदस्त वीडियो में लेके आने वाला हूँ, परसों भी रोज़ मैं वीडियो लाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको जो जैसे भी आपकी राय है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, जो भी आप गाना लिखना चाहते, सर मुझे ये गाना सिखाओ, बस आप समझो कि गाना जो है बेटा फेमस होना चाहिए, एकदम फेमस। देखो ये गाना ऐसा है, एकदम पुराने ज़माने के लोगों से लेके आज के नए ज़माने के हर लड़के को, अगर वो 18 साल का है 17, उसको पता है ये गाना, इतना फेमस होना चाहिए गाना। नहीं तो होता है आज के ज़माने के गाने पुराने लोगों को नहीं पता बिल्कुल, जैसे शायद है ना, ऐसा गाना है अरिजीत सर का, और कोई बहुत सारे गाने हैं, तो फेमस होना चाहिए। अब जैसे तू जाने ना गाना है ना, वो फेमस है, तो तू जाने ना गाना पुराने लोगों को भी जो है, एजेड लोगों को भी पता होता है। कभी भी गाना ऐसा करना बेटा, इसमें मेहनत ज़ाया ऐसे चीज़ों में नहीं करना होती है, जो चीज़ करके आप इतनी मेहनत करोगे, गाना सीखोगे, और पता चला आप जिनके सामने प्ले कर रहे हो, आपने ऐसा पुराना गाना सीख लिया जो नए लोगों को, बच्चों को पता ही नहीं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपने ऐसा गाना सीखा जो नए बच्चों को पता ही नहीं, तो वो बोलेंगे अरे जाने तो ये है ना, दादाजी है, इनको कुछ नहीं पता। तो नए गाने हमारे बहुत होते हैं, है ना, हनी सिंह के, बादशाह के। अगर आपने बादशाह हनी सिंह का गाना कोई कर लिया, या कोई ऐसा गाना अरिजीत सर का भी होगा, या शान सर का होगा, या सोनू निगम सर का होगा, ऐसा गाना जो एकदम ही अप्रचलित है, ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ है, पॉपुलर नहीं हुआ है, वो गाना आप प्ले करोगे, पता चला कि आपके दोस्त को नहीं पता, आपकी उम्र का, हम उम्र होकर भी नहीं पता, ऐसे भी होता है। गाना ऐसे करो, मैं हमेशा क्लास में कि एकदम फेमस होना चाहिए, एकदम रपचिक, कि कहीं गणपति मंडल में भी बज जाए, कहीं भी बज जाए, इतना फेमस गाना कि ज़माना कोई हो उस गाने को कोई पकड़ के नहीं रख सकता, किसी ज़माने में उसको आप पकड़ नहीं सकते हो, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर किसी को पता है ना। जैसे द ग्रेट लेजेंड अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान है ना, सलमान खान, आमिर खान, ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, इनकी जो पहचान है, उनकी जो लेवल है, वो इतनी ज़्यादा है कि हर कोई उनकी शख्सियत को पहचानता है। तो ऐसा कोई होना चाहिए। अब अगर किसी हीरो का हम नाम गिना दें जिसने कल परसों कोई मूवी की होगी, किसी को नहीं पता, तो लोग नहीं पहचानते। और ऐसे कोई जो कि काल के समय के चक्र में दफन हो गए है ना, और नए बच्चों को नहीं पता, लेकिन वो उस ज़माने में बहुत महान थे। अब उस ज़माने में महान थे, लेकिन आज के ज़माने में नहीं पता। मैं ऐसे गानों की बात कर रहा हूँ, या ऐसे, अब यहाँ एक्टिंग से मैंने बताया, हीरो की बात की, लेकिन अभी मैं गाने पे वापस आऊँ। गाना ऐसा हो कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाने, जो ना हर हर इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, माने ये नहीं कि एकदम कहीं डब्बे में पड़ा हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा गाना जो ऐसा है कि जो हर समय में लग जा गले, है ना, लग जा गले कि, तो इतना है नीले नीले अंबर, ऐसे गाने हर जमाने। अब नीले नीले अंबर कितने साल हो गए, कितना पुराना गाना है, लेकिन फिर भी आज भी वो हर बच्चे की धड़कन में, नए नए बच्चे भी उस गाने को अपनाते हैं। तो कोई भी उसे अपनाए ऐसा गाना, उस पर अगर हम मेहनत करते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं कि मैंने अब ये 20 मिनट का वीडियो हो गया होगा, 15 मिनट का, लेकिन अब 15 मिनट मेरी बातें आपने सुनी, ये सब हो गया, इतना करके भी आप वही करोगे पागलपंती, तो फिर मेरा जो इतना बड़बड़ करा वो सब वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती आपसे, गाना सीखो, ऐसा गाना सीखो, एक ही गाना साला मेहनत करने का, लेकिन प्यार दीवाना होता है, एकदम जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।